ये सारा सारा फिर चलाना है जो मैं कहूँ, ये समा वाले को खास तौर पे कह रहा हूँ। करीम कुछ माह कबल मैं गया था जाती उमरा, कुछ माह कबल मैं जाती उमरा गया था मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया का हाल पूछने के लिए। मैं जब वहां से निकला, मुझे जल्दी थी, मैं ऐसे रोका नहीं, बुलाया नहीं, तो आपके मीडिया ने किसी ने खबर चलाई कि तावीज देने गए थे, किसी ने खबर चलाई वजीफा बताने गए थे, समा वाले ने ये खबर चलाई कि ये खबर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं कि मौलाना साहब उनको कोई खास वजीफा देने गए हैं कि हुकूमत बच जाए, ये पता नहीं सजा से बच जाए। तो अभी आप लोगों को देख के मैं डर गया, फिर कोई और ये खबर चला दें। तो मैं यहाँ मियाँ साहब की आया था आयादत के लिए, और वहाँ भी मैं गया था मियाँ साहब की अहलिया की आयादत के लिए। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला मुझे बादशाहों के पास ले जाता है। मैं एक चाय पी की चाय की प्याली के अलावा किसी चीज़ का रवादार नहीं। ये शिद्दत पसंदी जो आई हुई है, इसके लिए मैं आपके जरिए से तमाम उलमा, हर मकतब फिक्र के उलमा, खतीब हजरात के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ कि लोगों में मोहब्बत का दर्स दें, नफरत की तकरीरें, फिरकावारियत की तकरीरें, एक दूसरे को काफिर काफिर कहने की बातों से परहेज फरमाएं, और उम्मत को उम्मत बनाएं, इख्तलाफ राय के बावजूद आपस में मोहब्बत से रहना, ये मेरे नबी का फरमान है। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है, तो सहाबा ने अर्ज की नमाज, आपने कहा नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज किया जिहाद, आपने फरमाया नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज किया रोजा, आपने फरमाया नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज किया हज, आपने फरमाया नहीं। तो उन्होंने कहा फिर अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, तो आपने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। तो मैं आप सब के जरिए से ये पैगाम पहुंच देना चाहता हूँ कि इस शिद्दत पसंदी को सिर्फ उलमा ही आवाम से दूर कर सकते हैं, मुस्बत तकरीरों से और मुस्बत पैगाम रसानी से, कि हम शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, वहाबी हैं, लेकिन हम उम्मत बन के चलें जिसमें हम सब की मोहब्बत है। और आप सब से भी कहता हूँ कि अपने मीडिया को सच पे लाओ, झूठ पे ना लाओ। ये मुझे पता तुम नहीं लगाओगे ये बात, लेकिन कह रहा हूँ कि मुसलमान सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अल्लाह आपके मेहनत कबूल फरमाए।